और कैसे अपनी वेलबींग को बेहतर करते हैं उसके बारे में आज हम तफसील के साथ बात करेंगे बेसिकली जो पी टी एस डी है इसमें होता क्या इसको जैसे मेरे नाम से जाहिर है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो ही कोई ट्रोमेटिक इवेंट्स आता है ज़िंदगी के अंदर कोई भी आ सकता है इंसिडेंट आ सकता है जैसे अर्थक्विक हुआ और फ्लड आ गया या कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको हम कैसे या कोई नागहानी मौत हुई अचानक से मौत होगी तो ये सारे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं आपने देखा होगा कि ज़िंदगी के अंदर पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं लोग लो, लो, फेस भी करते हैं और ख़ुद ब खुद, खुद इनसे बाहर भी निकल आते हैं लेकिन कुछ लोग अराउंड फाइव परसेंट या लेस दैन फाइव परसेंट ऐसे हैं जो कि ऑर्गेट डिसऑर्डर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं आज हम इसके सिम्टम्स के बारे में तफसील के साथ बात करते हैं बेसिकली जो इसमें इमिजिएट सिम्टम्स होती हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ जैसे एक्सीडेंट्स हुआ डेथ होगी वट जो भी हुआ ना एक्सीडेंट्स में ना वो इंसिडेंट होता है इवेंट होता है वो जो कि उस वक्त रूनुमा हुआ होता है इसके अलावा अक्सर पेशेंट्स के अंदर जब ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं तो रिकरेंट इंट्रोसिव थाट्स आना शुरू हो जाती हैं उसी चीज़ के बारे में फ़्लैशबैक्स आना शुरू हो जाती हैं मेमोरीज आती हैं रिकॉल होती हैं बार बार जहन में आ रही होती हैं ड्रीम्स आ रहे होते हैं उसी चीज़ के हवाले से और पेशेंट्स के अंदर मार्क्ड डिस्टर्बेंसेज होती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है उसकी लाइफ के अंदर ना और फिर हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स जो है वो अवॉइडेंस बिहेवियर आना शुरू हो जाता है जैसे किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट वाली जगह पे जाने के लिए डर और ख़ौफ में मुबतला हो जाता है उसकी इवन के बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते और और उस ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में रिकॉल करने के बारे में वो पेशेंट्स के अंदर अवॉइडेंस बिहेवियर आना शुरू हो जाते हैं और इवन के वाकई वाली जगह पर भी जाने के बारे में भी डर खौफ आना शुरू हो जाता है और लोग अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं इसके अलावा इसके अंदर पोस्ट पोस्ट्रोटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर हाइपर अरोजल्स की सिम्टम्स आती हैं जैसे मजाज के अंदर तब्दीली आती है गुस्सा चिड़चापन की कैफियत हो सकती है कंसलट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आता है और पेशेंट्स के अंदर स्लीप डिफ़िकल्टीज होती हैं क्योंकि वो मेमोरीज़ और फ्लैशबैक्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं बार बार आ रहे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर मेमोरी के अंदर और स्लीप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहा होता है इसके अलावा नेगेटिव साइकोलॉजिकल रिएक्शंस आते हैं पेशेंट्स के अंदर और उसकी कॉगनीशनस के अंदर जैसे पेशेंट्स के अंदर याददाश्त चली गई है उसको वो चीज़ें एज़ इट इज़ जिस तरह इंसिडेंट हुआ था तो वो याद नहीं रहता है और समाइम्स हमने देखा है कि नेगेटिव रिएक्शंस ये आते हैं कि पेशेंट्स अपने आप को अगर वो उसमें इन्वॉल्व हों तो वो अपने आप को ब्लेम करते हैं अगर कोई और लोग इन्वॉल्व हों तो उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि शायद उसकी वजह से हुआ है या ये इवेंट्स जो है ना मेरी वजह से हुआ अगर मैं ऐसा करता तो शायद ऐसा हो जाता अगर वो ऐसा ना करता तो शायद ऐसा ना होता नेगेटिव इमोशंस होते हैं रोते रहते हैं हर वक्त और डिफरेंट मजाज में तब्दीली आती है और इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उनके दिलचस्पी कम होना शुरू हो जाती है और अवाइडेंस बिहेवियर आते हैं और कई पेशेंट्स में अंदर हमने देखा है जब उनके अंदर सेल्फ ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं या उसके साथ जिसके साथ जिसके ट्रामेटिक इवेंट्स में जिसकी डेथ हुई है क्लोज वनस की या बहुत सारे फैमिली मेबर्स की डेथ हुई है किसी भी क्रैश के अंदर किसी भी इंसिडेंट के अंदर ना तो अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि आप ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है उनको हर चीज़ वर्थलेस नज़र आती है होपलेस नज़र आती है तो वो डेथ की तरफ चले जाते हैं और सुसाइडल विध उनको आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं और अक्सर देखा जब ये डिसऑर्डर होती है तो पेशेंट्स के अंदर उनके जो फंक्शनल और आकोपेशनल है उसके अंदर बड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है जो रोज़मर्रा की जिंदगी के काम बड़े ऐसा तरीके से कर रहे होते हैं उनके अंदर सारा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है अब अब हम तफसील के, ये तो इसकी अलामत थी अब हम तफसील के साथ बात करते हैं कि इसको अपने मैनेज कैसे करना है और इसको अपनी लाइफ के अंदर इस ट्रामेटिक इवेंट्स को कैसे कम करना है उसमें सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि ये बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद इंसान का अपना इम्यून सिस्टम काम करता है जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है ना बेहतरी आना शुरू हो जाती है अपने आप को कोप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम सब ऐसा इसका हिस्सा होते हैं और उससे देखा गया कि पेशेंट्स के अंदर बहुत हद तक ख़ुद ब खुद, खुद, खुद बेहतरी आना शुरू हो जाती है इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ रिलैक्स करने के एक्सरसाइजेज़ हैं जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है लंबे गहरे सांस की मश करवाते हैं और साथ साथ बीएमआर है जिसमें मसल रिलैक्सेशंस वगैरह करवाते हैं और दूसरा ये है कि जो पेशेंट्स अवॉइड करता है हमने अवॉइडेंस बिहेवियर के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अक्सर पेशेंट्स उस ट्रामेटिक इवेंट से बात नहीं करते जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा है कि इससे मर्ज़ बढ़ता है ना कि इससे बीमारी कम होती है तो इसके ऊपर काम किया जाता है जो उसका उसको हम कहते हैं कि हरारकी बना लेते हैं जो लीस्ट जिससे सिम्टम्स आती हैं इन इंसीडेंट से उसको सबसे टॉप प्रयोरिटी भी रखते हैं और जिससे जिस इवेंट की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसको हम सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं क्योंकि बेसिकली हमने ग्रेजुअली ग्रेजुअली पेशेंट्स को जो है ना डिसेंसीटाइज़ करना है इसको तो इससे भी देखा गया है कि जब हम ग्रेजुअली पेशेंट्स को डिसेंसिटाइज़ करते हैं हेरकी से लोअर हेरकी टू हायर की तरफ तरफ लेके जाते हैं तो पेशेंट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और उन चीज़ों को वो रिकॉल करने की कोशिश भी करते हैं और उनको याद भी करने की कोशिश करते हैं और उनमें वो इवेंट्स नहीं होते वो पेनफुल सिचुएशंस नहीं होती जो कि उनको उन पेशेंट्स के अंदर पहले से होती है फिर जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं उनको लोग अक्सर देखा है कि याद नहीं करते लेकिन साइंसी तहकीक़ यह कहती है जब उनको बार बार आप याद करते हैं दोहराते हैं और उनको रिकॉल करते हैं तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है इसके अलावा जेन में क्योंकि अक्सर पेशेंट्स ये जेन के अंदर क्योंकि उनके इस किस्म के जो इवेंट्स आते हैं डेली लाइफ के जो हैं एवरी डे लाइफ के ना उसके अंदर इवेंट्स जो जेन में बार बार आ रहे होते हैं उनको रिकॉल नहीं करते क्योंकि उनके एनजाइटी लेवल बढ़ता है तो साइंसी तहकीक़ ये कहते हैं जब उनको इवेंट्स को रिकॉल करते हैं याद करते हैं या उनको लिख लेते हैं तो एक सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं जिससे क्या होता है कि एन्ज़ाइटी लेवल आपका काफ़ी हद तक कम हो जाता है इसके अलावा ये मैनेजमेंट नॉन फार्मोकोलॉजिकल मैनेजमेंट है इसके अलावा जो दूसरा तरीकाकार है उसको हम मेडिकेशन से इलाज कहते हैं अगर पेशेंट्स के अंदर फोबियाज़ बहुत ज़्यादा हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं एन्जाइटी तो के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम एस एस आ रही है उसमें हम ऐड कर सकते हैं ये दूसरी मेडिकेशन भी हैं जिसमें मेडटाइजा का बड़ा अच्छा रोल है इसके अलावा जो है ना स्लीप के पेशेंट्स को जो स्लीप है उसको उसको बेहतर किया जा सकता है स्ट्रेस को बेहतर किया जा सकता है कोई को है उनको एड्रेस करने की कोशिश की जा है लेकिन जो खब बावर गोलियाँ हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है

और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से